दैनंदिन की घिसी पिटी जिंदगी और उसूर विश्व की प्रचंड दहन से तनिक छुटकारा पाने के लिए वीकेंड में मनोरम दीघा सी बीच एक छोटी सी फैमिली टूर। फ्रेंड्स, horizondreams.com में आप लोगों को स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हॉरिजन ड्रीम्स चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन प्रेस करने से ही काम चलेगा। दैनंदिन वही आम जिंदगी से थोड़ा हटते हुए आसमान छूने वाला बेंगल बे की किनारे में खड़ा होकर सागर से बहती हुई मृदुमंद वायु के स्निग्ध स्पर्श में जाग उठती है शरीर मन। एक के बाद एक उच्छ्वसित लहर की उच्छलता को देखते हुए मन में सिमटी हुई वो पुराना बचपन और सोई हुई छोटा बच्चा भी सभी रुकावट को हटाते हुए बाहर आने की तमन्ना में लग जाती है। बच्चों का स्कूल में छुट्टी हो जाने के बाद घर के पास एसी बीच कम से कम एक दो दिन के लिए घूमाना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। घर में पेट वेजिटेशन हो तो घर छोड़कर टूर में जाने के बारे में थोड़ी हिचकिचाहट होते स्वाभाविक, क्योंकि इस दुनिया में पेड़ पौधे पशु पक्षी के अलावा और भी निकट और सच्ची दोस्त बांधव है कि नहीं ये बात मालूम नहीं। खैर, उनके लिए कुछ सामयिक व्यवस्था करके निकल पड़िए। सी बीच में आकर आपका मन अच्छी हो जाएगी। जी, हम यहाँ की सुंदरता की बात कर रहे हैं। पर्यटन के मानचित्र पर ये दीघा सी बीच बहुत ही उल्लेखनीय और गुरुत्वपूर्ण है। असंख्य पर्यटक हर किस्म का संस्कृतियों को लेकर यहाँ समुद्र स्नान में आते हैं कुछ लोगों के अलावा। ये जो नहाने और ना नहाने की बात, इस बारे में सिद्धांत अपनी अपनी, वही विचित्र सारी संस्कृतियों के सम्मिलन में मुख्य बनकर उजागर हो उठती है लोगों का आनंद उद्यापन। कोई कोई सागर की लहरों में पैर डूब के बैठा रहता है दिन भर, कोई सागर की बालुका भूमि में चलते हैं, अन्यों ने तो धो धो कर आत्मा की अंतस्थल तक कलुषित कर लेने के प्रयास में प्रकट तरीके से शामिल है। आत्मलीन ध्यानमग्न होकर सागर तो इन सभी दृश्य की पास पास
चरम उपेक्षा में कुछ भी ना देखते हुए सृष्टिकर्ता की सृष्टि पसरा लेकर बैठे हैं, जैसे एक विगत स्पृह आत्म भोला बैठे हो। सप्ताहांत के ये नितांत संक्षिप्त सफर के अंत में सभी ने तो लौट जाएंगे उनके अपने अपने चहदी में। मन के किनारे में भी नहीं रहेगा तनिक क्लांति की आवेश। अपने आप को फिर से पाने की इस यात्रा के अंत में वो खोआ हुआ क्लांति और कलुषता की कुछ भी छाया नहीं पड़ा रहेगा कहीं। सागर से आती हुई लहरों में गूंज उठेगी उदासीनता भरी जीवन की महासंगीत, जैसे कि कुछ भी नहीं बिगड़ता है हम उसके किनारे में रहें या ना रहें। See you again on our next video. Thanks.